हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक मानस में। दोस्तों, आप सभी को फिर से नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का, तो माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी को खूब सारा आशीर्वाद दे और आपके जीवन में खूब सारी खुशियां भरे। तो चलिए बिना देरी करें हम शुरू करते हैं अपने नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। तो दूसरे दिन की जो कथा है दोस्तों, ये है माँ भ्रामरी देवी की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये देवी कौन है, या आप में कई लोगों को पता भी होगा, तो हम चलिए अब कहानी बताते हैं आपको। तो पहले तो हम भ्रामरी देवी का अर्थ जान लेते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। भ्रामरी देवी का जो अर्थ है, एक ऐसी देवी, एक ऐसी माँ जो कि कई सारे भ्रमरों से बनी हो, या जो भ्रमर हो, एक देवी ऐसी जो भ्रमर हो। भ्रमर क्या होता है वाकई, तो भ्रमर मतलब होता है भौरा, भौरा या मधुमक्खी जो होती है बरैया, उसको आप समझ लीजिए वो होती है, जिसके छह पैर होते हैं, पंख होते हैं, और वो हमारी जो इसमें जीव जंतु में आती है। तो वो माँ का एक रूप था, माने एक असुर को मारने के लिए रूप धरा था। अब हम कहानी शुरू करते हैं, कहानी क्या है आगे की। तो दोस्तों, माँ की महिमा अपरंपार है, उन्होंने अपने इतने रूप धरे हैं। चलिए ये रूप की कहानी सुनाते हैं। एक बार धरती पर एक अरुणासुर नाम का राक्षस था, मतलब अरुण नाम का राक्षस था। उसने इतना बड़ा तप किया, इतना घोर तप किया कि उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया अपने तप से। अब ब्रह्मा जी को किसी ने अपने तप से प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी को प्रकट तो होना ही था। वो प्रकट हुए वहाँ पर और उन्होंने उस असुर से कहा कि मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मैं तुम्हारा वरदान पूरा करूँगा। तो अरुणासुर ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान में ये कहिए, मतलब ये दीजिए मुझे वरदान में कि मुझे कोई भी आदमी या औरत ना मार सके, यानी ना मेरी मृत्यु स्त्री से ना पुरुष से किसी भी मेरी मृत्यु ना हो सके। दूसरी चीज उसने ये मांगी कि मेरी मृत्यु अस्त्र या शस्त्र से ना हो सके, यानी कोई भी तलवार या इस तरह के औजार से मेरी मृत्यु ना हो। और तीसरा उसने ये मांगा कि कोई भी चार पैर वाला जीव जंतु मुझे ना मार सके, यानी जैसे गाय है, घोड़ा है, ये सब चार पैर वाले जो होते हैं, ये सब उसको ना मार सके। तो ब्रह्मा जी बहुत ही खुशी खुशी से उसको वरदान दी और अंतर ध्यान हो गए। अब इतना था, अब था तो असुर, तो उसको प्रलय तो धरती पर मचाना था। तो उसने धरती पर इतना प्रलय मचाया, इतना आतंक मचाया कि जो देवतागण थे वो भी उससे हार गए थे। तो देवताओं के मन में बहुत परेशानी आ गई, बहुत ज़्यादा उनके मन में ये हो गया कि हम इस असुर का कैसे सर्वनाश करें, क्योंकि धरती का सर्वनाश हो रहा था। तो सभी देवता मिलके पहुंचे भगवान शिव के पास। उस समय शिव भगवान अंतर ध्यान थे। तो जब देवता प्रार्थना करे शिव जी से कि हे भोले भंडारी, अपनी आंखें खोलिए, धरती इस समय बहुत बड़े संकट से जूझ रही है, तो भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले और सभी देवताओं से पूछा कि हे देवताओं, क्या हो गया, ऐसे कौन सी घड़ी आन पड़ी कि आप लोग मेरे पास आए। तो सब देवताओं ने बताया कि ये करुणासुर नाम का राक्षस, उसने ये वरदान मांगे और अब वो धरती पर बहुत आतंक मचा, उसको कोई मार नहीं सकता, ये उसने वरदान मांगे। तो भगवान शिव ने कहा कि अब इस वरदान का, यानी इस राक्षस को मारने का केवल एक ही लोग के पास उपाय है, और वो है आदिशक्ति भगवानी जगदम्बा। अब आप उन्हीं के पास जाइए। तो इतना सुनते ही सभी देवतागण माता रानी जगदम्बी के पास पहुँचे, माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमें कोई उपाय सुझाइए कि आखिर हम क्या करें, अरुणासुर बहुत ही ज़्यादा धरती पर आतंक मचाए हुए। तो माँ ने एक बहुत अद्भुत रूप धरा और वो रूप था माँ भ्रामरी देवी का, यानी वो एक भ्रमर बन गई और उनके पंख थे, छह पैर थे, यानी ना तो वो स्त्री थी ना तो पुरुष थे, मतलब कि वो स्त्री पुरुष में नहीं थी, ना उनके पास कोई अस्त्र था ना कोई शस्त्र था, उनके पास केवल थे तो उनके पंख थे और उनके पैर थे, और ना तो उनके चार पैर थे। तो चार पैर नहीं थे क्योंकि उनके छह पैर होते थे, भ्रमर के छह ही पैर होते भौरे के। तो माँ ने ये रूप धरा और जब अरुणासुर के पास पहुंचे तो अरुणासुर अपनी ताकत माँ को दिखाने की कोशिश किया, मगर माँ ने जो अपनी ताकत दिखाई, यानी माँ जब बन के गई भ्रामरी देवी, तो माँ के साथ असंख्य भ्रमर उनके अगल बगल आ गए और माँ खुद एक भ्रामरी देवी का रूप धर के उसके ऊपर सर्वनाश करने के लिए जब उसके छाती पर बैठ गई तो सारे भ्रमरों ने उसको ऊपर से इस तरह घेर दिया और उसका सर्वनाश कर दिया। इसी तरह सर्वनाश हुआ एक अरुणासुर का और इसी तरह माँ भ्रामरी देवी हमारी धरती को बचाने में बहुत ही ज़्यादा आगे आई। तो ये थी माँ भ्रामरी देवी की कहानी, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ आज नवरात्रि के दूसरे दिन की कहानी हम लोग करते हैं खत्म। कल फिर किसी नई कहानी के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को अपना प्यार देते रहिए, पुरानी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब वगैरह आप सब जानते ही हैं, क्योंकि हमारी जनता बहुत ही दिमाग वाली है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो करेगी। तो इतना करिए, हमें अपना प्यार दीजिए। अब इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। जय माता दी।